का आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हैं और मध्यकालीन है। भारत का इतिहास भी कवर कर चुके हैं आपका ये आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है और इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आपका प्रथम युद्ध था ना उस पर विस्तार से बात किए हुए थे और उसके भारत पर क्या प्रभाव पड़े और भारत में उस समय कौन कौन से आंदोलन हुए हैं उन पर भी बात की हुई थी और इसके लिए एक कैप आप, आपकी प्ले लिस्ट सूची बना दी गई है सेपरेट और जिसका नाम रखा गया है यू एंड स्टेट पी सी एस स्पेशल क्लासेस के नाम से और इसी में आपको सभी प्रलिम्स की क्लासें मिल जाएंगी और सभी सब्जेक्ट की तो वहाँ जाकर आप लोग क्रम से देखते रहिए आज हम लोग बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में और इसमें भी हम लोग विस्तार से ही बात करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रथम चरण को देखिए भारत में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध संग्राम लगभग इस देश में अंग्रेजी शासन के आरंभ से ही शुरू हो गया था यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ उसी समय से आप देखिए हम लोग इनका विरोध विरोध करने लगे थे इन्हें एक तरह से आप देखिए भगाने की कोशिश करना शुरू कर दी थी और भारत के लोगों ने विदेशी राज्य राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते समय कई तरीके अपनाए एक तो सबसे पहले आप देखते हैं कि अठारह के विद्रोह के बाद उन्नीसवीं सदी के अंतिम चरण में कई प्रकार के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए और जिन जिनसे लोगों में एक नई राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और सबसे पहले तो आप देखते हैं कि अठारह की क्रांति होती है लेकिन काफी हद तक आप देखिए उससे हम लोगों ने आगे के लिए सीख ली लेकिन हम लोग पूरी तरह से उसमें सफल नहीं हो सके सक्सेज नहीं हो सके उसके भी कई कारण थे अगर पुरानी क्लासें आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको मालूम राय काल में अनेक अभिवेक पूर्ण कार्यों से जुझारू आंदोलन को और भी बढ़ावा मिला प्रथम चरण की क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की पृष्ठभूमि उन्नीसवी शताब्दी के अंत में पड़ने वाले अकाल ओप्लेक्स से होने वाली व्यापक जनधन की हानि यूरोप में एशिया में घटित होने वाली घटनाएं जैसे आप देखिए ओटोमल साम्राज्य से बालकन राज्य की आजादी अठारह में अभी सीनियाई के हाथों इटली की हार 1905 में आप देखेंगे जापान के हाथों रूस की हार निहित थी इसमें कहने का सीधा सा मतलब आप लोग समझिए आप सोचिए कि, कि कोई आपके आस पड़ोस में कोई राजा महाराजा रहता है और आपके ऊपर शासन करता है और आपके पड़ोसी जो क्षेत्र हो राज्य हो या गांव हो अगर वो आप देखिए कि उनसे उस राजा से आजादी पा लेते हैं उस राजा को हरा देते हैं तो आपके मन में भी एक सवाल उठने लगेगा कि अगर हम भी इसके विरोध खड़े हो लड़ाई से लड़ें तो हम भी इसे हरा सकते हैं तो भारत को भी इससे एक तरह से प्रेरणा मिली कि जब जापान रूस को हरा सकता है जापान के यहाँ तो रूस की हार हो सकती है अभी सीनिया के यहाँ तो इटली की हार हो सकती है तो भारत अंग्रेजों को क्यों नहीं हरा सकता है और इन घटनाओं ने पश्चिमी श्रेष्ठता के भ्रम को समाप्त कर दिया और ऐसा माना जाता था या अंग्रेज अपने आप को कहते थे कि वो सबसे सभ्य सब लोग हैं और आप देखिए कि वो हमें असभ्य कहते थे और आप वो कहते थे कि हम अजय हैं यानी कि हम हमें एक तरह से कोई नहीं हरा सकता विजेता है हमेशा के लिए हम और ब्रिटिश नस्लवादी नीति ने शिक्षित भारतीय नौजवानों के असंतोष को बढ़ा दिया जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि तरह तरह के हम लोगों से भेदभाव भी किए जाते थे उनमें नस्लवादी भेदभाव था और फिर आप देखेंगे बीसवीं सदी के आरंभ में भारत में क्रांतिकारी लहर दौड़ गई और जिससे क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला और इसमें आप देखेंगे उदारवादी उदारवादियों की संविधानिक कार्यप्रणाली से निराशा मिली और उग्रवादी आदर्शवाद से अनुप्रमाणित अनेक युवा भारतीयों ने क्रांतिकारी गतिविधियों का मार्ग चुना और आप लोगों को एक और बात मालूम होगी कि जो उदारवादी थे ये आप देखिए हाथ जोड़ने की बात करते थे प्रार्थना पत्र लिखने की बात करते थे शिष्टमंडल भेज एक तरह से अपनी बातें मनवाने की बात करते थे लो लेकिन जो गर्म दलवादी या उग्रवादी नेता थे वो आप देखिए कि हिंसा की बात करते थे जबरदस्ती हमारे अपनी आज़ादी लेनी होगी ये बात करते थे और अधिकतर उदारवादियों ने आप देखेंगे पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद भी की थी क्या थी मदद भी की थी ब्रिटिश शासकों के दिल दिलों में दहशत फैलाकर उन्हें भारत से बाहर निकालने के लिए उन्होंने आयरिस आतंकवादियों और रूसी सर्वखंडवादियों के पद चिन्हों पर चलने का निश्चय किया और अनुनय विनय नहीं बल्कि योत्साह संबंधी तिलक के नारे से प्रभावित बहुत से युवक उग्रवादी राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने के लिए अनुप्रेरित हुए और जिसका मुख्य केंद्र महाराष्ट्र बंगाल पंजाब था और इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में गुप्त समितियाँ बनाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल बनाना अकाल और महामारियों के दौरान सामाजिक कार्य करना शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण देना स्वदेशी और बहिष्कार के संदेश का प्रसार करना और अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना शामिल था और उनमें अगर आप देखें उदारवादियों में तो वो आप देखेंगे कि आराम से आप आंदोलन करिए मांग मानिए अगर आप पर डंडा डाल चल रहा है आप पर अत्याचार हो रहा है तो आप, आप चुप रहिए क्रांतिकारियों ने निर्दयी अधिकारियों और मुखवीरों की हत्याएं की और सस्त और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं आव की पूर्ति के लिए धन जुटाने हेतु डकैतियां डाली और जिन्हें स्वदेशी डकैतियों के नाम से जाना गया उस समय और इसमें आप देखिए कि आपके बाल गंगाधर तिलक हों या फिर आप देखिए कि आपके लाला लाजपत राय हों या आप देखिए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हों इसमें आप लोगों को साम देखने को मिलेंगे इन्हीं को आप लोग उग्रवादी भी कह देते हैं क्या कह देते हैं उग्रवादी भी कह देते हैं पहले चरण में अपने भावी कार्यक्रम के बारे में क्रांतिकारी स्पष्ट नहीं थे वे सिर्फ इतना ही जानते थे कि विदेशी राज्यों को संविधानिक आंदोलन के जरिए उखाड़ा नहीं जा सकता है और वे भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि एक जालिम शासन को हिंसा के जरिए भी हटाया जा सकता है यानी कि अभी तक आप लोग देखिए इन्होंने देख लिया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है अब उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी और मेरा मानना है देखिए कि आप लोगों की समझ में अगर किसी भी उदाहरण से ये घटनाएं समझ में आ रही है तो उन उदाहरणों को ले लिया करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्होंने व्यक्तिगत हिंसा को महिमा प्रदान की और विद्यार्थियों और नौजवानों को बारूद आदि बनाने की शिक्षा देने के लिए संगठित करने का फैसला किया और इस समय क्रांतिकारी नेता राष्ट्रीय भावनाओं से उतपोत थे और मगर इस संघर्ष में जनता को साथ लेकर चलने और स्वतंत्रता स्वतंत्र भारत में कैसा समाज बनाया जाना चाहिए इन विषयों की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और इन्हीं को आप देखिए आतंकी भी कहते थे अंग्रेज क्रांतिकारियों में इस समय दो विचारधाराएं थी उनकी क्रियाकलापों के दो केंद्र थे कुछ नेता अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन करने के लिए भारतीय सेना की और यदि संभव हो तो अंग्रेजों के विरुद्ध विरोधी विदेशी ताकतों से, भा, से भी सहायता लेने में विश्वास रखते थे और दूसरी विचारधारा की नेता, नेता हिंसात्मक कार्यक्रम जैसे कि ब्रिटिश अफसरों पुलिस क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध सूचना देने वाले लोगों को कत्ल करने की नीति में विश्वास करते थे पहले दौर में पहली विचारधारा पंजाब और पश्चिमी संयुक्त प्रांत में अधिक प्रचलित थी और दूसरी विचारधारा को बंगाल और महाराष्ट्र में अधिक समर्थन मिला और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जैसे आप देखेंगे 6 सितंबर माफ करिए 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1907 को मिदनापुर के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी को बम से उड़ाने की कोशिश की गई ढाका की पहली मजिस्ट्रेट एलन को कत्ल करने का का कत्ल करने का प्रयास भी किया गया असफल प्रयास रहा है और आप देखेंगे हेमचंद हेमचंद कानूनगो ने 1908 में कलकत्ता स्थित मनिकल्ला में बम बनाने हेतु कारखाना खोला था और फिर आप देखेंगे 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के बदनाम मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ज की हत्या का पिफोल चाकी और खुदीराम बोस ने असफल प्रयास किया और फिर आप देखेंगे कि किंग्स फोर्स की हत्या के षडयंत्र के बाद तल्ला पर छापा मारकर और अरविंद घोष सहित चौतीस को गिरफ्तार किया गया था और इसे आप लोग अलीपुर ष उन्नीस 1908 के नाम से जानते हैं बंगाली क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ मुखर्जी और बाघा जतिन 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे और 1912 में आप देखेंगे रास बिहारी बोस ने दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉस जापान चले जाते हैं और दिल्ली ये 1912 में हुआ लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में अवध बिहारी अमीर चंद लाल मुकुंद और आप देखेंगे बसंत कुमार पर मुकदमा चलाया गया और फिर आप देखेंगे पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को अजीत सिंह लाला लाजपत राय और सूफी अंबा प्रसाद जैसे नेताओं ने जन्म दिया और फिर आप देखें दिल्ली सड़ंत केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने गोली मारकर हत्या कर दी ये छोटी छोटी घटना है प्रिलम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और आप देखिए वन डे एग्जाम पूछाता रहता है तो इन्हें भी याद रखिएगा फिर आप देखेंगे मद्रास प्रांत में वंची वंची अय्यर ने तिरुने तिरुनेल वैली की जिलाधीश आसी की हत्या कर दी और बाद में आत्महत्या कर ली और 22 जून 1918 1897 को पुणे में रेंड और आयरस्ट की हत्या कर दी गई और इसके लिए दामोदर हरि चापेकर को फांसी की सजा दी गई अभिनव भारत के सदस्य लक्ष्मण कन्हारी ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी और इस सत्याकांड से जुड़े लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था विद्रोही समिति की रिपोर्ट 1918 में भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद को शुरू करने का आरोप महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मणों पर लगाया गया था फिर आप देखेंगे पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण लाला लाजपत राय अजीत सिंह को जून 1907 में मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था जिसे आप लोग म्यांमार कहते हैं उसी की बात हो रही है सरकार की दमनात्मक कार्यवाही से विवश होकर अजीत सिंह और सोफी अंबा प्रसाद देश छोड़कर चले गए थे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो उनकी तरफ से भी तो आप देखिए कि इसका विरोध किया जाएगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में क्रांतिकारी आंदोलनों का केंद्र बनारस था क्या था बनारस था तो ये भी आपको देखने को मिलेगा और कुछ छोटे छोटे पॉइंट है इन्हें भी याद रखिएगा आप लोग राजस्थान में अर्जुनलाल सेठी बरहट केसरी सिंह और आप देखेंगे राव गोपाल सिंह ने क्रांति के कार्यों को आगे बढ़ाया था कहा राजस्थान में भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियम हो हौ, इंडिया होम रूल सोसाइटी थी जिसकी स्थापना 1905 में आप देखेंगे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने ढींगरा ने एक जुलाई उन्नीस में भारत सचिव की राजनीतिक सलाहकार करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी और ढींगरा को फांसी की सजा दी गई थी और मुझे लगता है कि देखिए आप लोगों को ये क्लियर मालूम होना चाहिए कि इन सभी को पता था कि अगर हम लोग इस तरह की अंजाम दे रहे हैं तो इन्हें भी इसके बदले आप देखिए फांसी दी जाएगी इन्हें भी मौत की सजा दी जाएगी लेकिन फिर भी आप देखिए देश प्रेम कह लीजिए आप लोग इतना हा, हावी था कि ये किसी की परवाह नहीं करते थे कोई भी सजा मिले तेरह नवंबर 1909 को लॉर्ड और लेडी मिंटो की गाड़ी पर अहमदाबाद में बम फेंका गया था और फिर आप देखेंगे मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में रहती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया एक नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला लाजपत राय ने माफ लाला हरदयाल ने गदर दल का गठन किया कब 1913 में और फिर आप देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल में दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की सिंगापुर विद्रोह ये पंद्रह फरवरी उन्नीस को पंजाबी मुसलमानों की पांचवी लाइट इन फैक्ट्री के छत्तीसवीं सिख बटालियन के जवानों ने जमादार जमादार चेस्ती खां अब्दुल गनी और दाऊद खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 1907 में आप देखेंगे रामनाथपुरी में रामनाथपुरी ने सर्कुलर ए आजादी और बैंकुअर से तारकनाथ दास ने फिर हिंदुस्तान का प्रकाशन किया जो राष्ट्रीय भावना से ओत थे तो जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि देश की की आज़ादी में हर किसी का योगदान रहा है किसी के योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं किसी से गलती हो सकती है लेकिन उसकी गलतियों से आप देखिए उसके योगदान को नकार दें ये गलत है आप देखिए कि हमारे कवि रहे हों लेखक रहे हों आप देखिए पिकासक रहे हों या फिर आप देखिए इस तरह के भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हों या आप देखिए महात्मा गांधी हों इन सबका आप देखिए योगदान रहा है चाहे वो नरम दल के नेता हो या गरम दल के नेता हो अपनी अपनी जगह आप देखेंगे सभी का है। अंग्रेजी सरकार ने से निपटने के लिए 1907 का विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और 1908 का ही भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम और एक समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1910 का समाचार पत्र अधिनियम और सबसे घिनौना 1915 का भारतीय सुरक्षा नियम बनाया कि इन इन घटनाओं को रोका जा सके अगर हम लोग इनकी विशेषताओं की बात करें तो आप देखेंगे क्रांतिकारियों का यह विश्वास था कि अहिंसा और शांति पर शांतिमय ढंग से आज़ादी नहीं मिल सकती है और ये ब्रिटिश सरकार के अफसरों और उनकी सहायता करने वालों के मन में आतंक पैदा करना चाहते थे डर पैदा करना चाहते थे वे महसूस करें कि उनका जीवन यहाँ सुरक्षित नहीं है और वे इस दबाव में आकर देश छोड़कर चले जाएं। 1913 से लेकर 1918 के दौरान क्रांतिकारियों विशेषकर गदर पार्टी ने महसूस किया कि सिर्फ आतंक से अंग्रेजों को नहीं निकाला जा सकता है उन्होंने फिर आप देखेंगे गुर्ला युद्ध के आधार पर योजना बनाई और सेना को भी अपने साथ लेना चाह मगर इनके नेता अनुभवी नहीं थे और अधिकतर आप देखेंगे उग्रवादी विचारधारा के ही अनुयायी थे और देश को आजाद करने के लिए इन्होंने विदेशी विदेशी सरकारों से सहायता लेने में संकोच नहीं किया बल्कि अंग्रेजों का शासन उलटने के लिए भी हर प्रकार की विदेशी सहायता लेने को तत्पर थे और फिर आप देखेंगे ये लोग देश को आज़ाद करवाना चाहते थे मगर स्वतंत्रता के पश्चात कैसा समाज बनाना चाहिए इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया आज़ादी के बाद जनजीवन को बदलने और सामाजिक परिवर्तन लाने के बारे में भी चिंतित भी नहीं थे और जिसके कारण भी भारत की जनता को अपने साथ नहीं ले पाए और विशेषकर उस समय जब आप देखेंगे सभी मुख्य पार्टियां भारत सरकार के साथ थी और इन्हीं कारणों से इस समय के कई क्रांतिकारी जैसे वीर हरदयाल और भाई परमानंद हिंदू राष्ट्रवादी बने और मगर गदर पार्टी के कई नेता जो बाद में रूसी क्रांति से प्रभावित हुए और साम्यवादी बन गए उन्होंने दूसरे चरण की क्रांति और साम्यवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई अब आप देखिए दूसरी दूसरी द्वितीय चरण को देख लीजिए सेकंड स्टेज को देख लीजिए इसमें क्या हुआ आप देखेंगे 1919 तक भारत और विदेशी विदेशों ने क्रांतिकारी गतिविधियों धीमी पड़ गई थी और परंतु विद्रोह की भावना जनमानस में विद्यमान थी और असहयोग आंदोलन के असफल होने और देश में किसी भी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का गांधीवादी तरीकों से मोहभंग हो गया था और वैसे भी आप जानते हैं गाँव में खासकर आप लोगों को बता दूँ आपने देखा होगा एक बात क्या देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं जो अजन्हें आप लोग समझदार कहते हैं और समझदार होते हैं वो आप देखिए ये कहते हैं कि समझौता से कोई रास्ता निकालिए और उन्हीं में आप लोग कह सकते हैं कि गांधी जी को रख लीजिए और दूसरे आपने देखा होगा उग्रवादी होते हैं गुस्से वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम नहीं जानते हो तुम्हें अभी तक हाथ जोड़ते हुए क्या मिला है अब वो कहते हैं कि बंदूक उठाइए हिंसा फैलाइए तो वही हुआ इस समय और राष्ट्रवादी युवा रूस चीन तुर्की मिस और आयरलैंड आदि में कहीं भी होने वाली क्रांतिकारी आंदोलनों और विद्रोहों से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे क्योंकि आप देखिए पहले विश्व युद्ध में हम लोगों ने उदारवादियों ने खासकर कांग्रेस ने आप देखिए कि अंग्रेजों की मदद की लेकिन उसके बदले अंग्रेजों ने क्या दिया उदारवादियों को भी कुछ नहीं मिला उनकी कोई बातें नहीं मानी गई तो इससे भी भंग हुआ और क्रांतिकारी आंदोलन तब अब समाजवादी मोड़ ले रहा था बंगाल की पुरानी गुप्त संस्थाओं को पुनर्जीवित किया गया और इस चरण की एक नई विशेषता यह थी कि एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी संगठन की आवश्यकता महसूस की गई और इस उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में देश के प्रमुख क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन कानपुर में हुआ और जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई एच आर ए की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई कहा कानपुर में कुछ और संबंधित घटनाएं हैं द्वितीय चरण की देख लीजिए एच आर ए द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारानपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर आठ डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया घटना को काकोरी कांड के नाम से आप लोग जानते हैं किसके काकोरी कांड के नाम से आप लोग जानते हैं तो इसके बारे में भी याद रखिएगा काकोरी कांड के बारे में भी अभी काकोरी कांड का आप लोगों ने नया नाम भी बदला गया हमारी सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन नाम इसका रखा गया है आप देखिए काकोरी कांड एक तरह से डकैती गलत शब्द लगता था क्योंकि हमारे क्रांतिकारी थे उस समय तो आप देखिए उन्हें क्या क्या नाम दिए गए आतंकवादी हैं ये देशद्रोही हैं लेकिन आप देखिए उन्हीं की वजह से हम लोग आजाद हुए तो हम लोगों ने उस घटना का नाम ही बदल दिया ठीक है सरकार ने उनतीस क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे असफा रोशन लाल राजेंद्र लहडी आदि पर मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई और राम प्रसाद बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां रोशन लाल राजेंद्र लहरी को करमशा गोरखपुर फैजाबाद नैनी इलाहाबाद और गोंडा में फांसी दी गई थी तो इन ये जरूर जगह याद रखिएगा कई बार ये पूछ लेता है बिस्मिल साहब को गोरखपुर में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद में और राजेंद्र लहरी को गोंडा में दी गई थी फांसी चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी सदस्यों की गिरफ्तारी से संगठन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी ये भी आप लोग याद रखिएगा सामाजिक सहायक पुलिस अधीक्षक सांडर्स लाहौर में इसकी की तीस अक्टूबर उन्नीस को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु द्वारा की गई हत्या पहली एच एस आर ए की क्रांतिकारी गतिविधि थी किसकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा यह पहली घटना थी 30 अक्टूबर 1928 को जो सहायक पुलिस अधीक्षक था ना इसकी हत्या कर दी गई थी और एच एस आर ए के दो सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल उन्नीस को केंद्रीय विधान मंडल में जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी तो बम फेंका जिसका उद्देश्य सरकार को डराना नाम था

चौंसठ दिन बाद तेरह सितंबर उन्नीस की को मृत्यु हो गई थी आप सोचिए कि ये भोग हड़ताल कर रहे हैं फिर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस तरह की सरकारें थी अंग्रेज और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं अभी भी कि वो अंग्रेजों को माफी मांगनी चाहिए हम लोगों से कि उनके पूर्वज जो करके गए उसका प्रभाव बहुत पड़ा है इंकलाब जिंदाबाद जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया था और इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था तो याद रखिए इकबाल इंकलाब जिंदाबाज किसने रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी ये भी आप लोग याद रखिए कि एक साथ तीनों लोगों को फांसी दी गई थी कई बार दो नाम दे देते हैं और एक नाम आप लोग से पूछ लेता है कि इसमें से तीसरा व्यक्ति कौन था जिन्हें साथ में फांसी दी गई थी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ठीक है भगत सिंह के बाद चंद्रशेखर आजाद ने पंजाब के क्रांतिकारी दल के संगठन की जिम्मेदारी यशपाल और भगवती चरण बोहरा को सौंप दी और श्री भगवती चरण बोहरा की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा देवी ने भी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था और इस तरह से आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने यशपाल को अपना नेता चुना और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यशपाल को चौदह वर्ष की सजा दी गई परंतु उन्नीस में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमंडल स्थापित हो गया और मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 2 मार्च उन्नीस को जेल में इन्हें बिना किसी के छोड़ दिया था और आप देखेंगे कि जनवरी 1924 में गोपीनाथ साह ने कलकत्ता की बदनाम पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टे गार्ड को हत्या का प्रयास किया और लेकिन गलती से एक अंग्रेज डे मारा गया और साहा को फांसी दे दी गई चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे यानी कि शहीद हो गए थे 27 फरवरी 1931 को आप लोग अगर एक काम करें अभी भी अगर इलाहाबाद प्रयागराज में आप लोग जाते होंगे तो चंद्रशेखर पार्क है आप लोग वहाँ घूमने भी जाते होंगे आज भी आप वो पेड़ खड़ा हुआ है वहाँ देखेंगे आप लोग और अल्फेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे अल्फेड पार्क के नाम से भी आप लोग इन्हें इस पार्क को जानते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हुई बंगाल में सुरसैन जो गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी आई आर ए को स्थापना की थी इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उनके बारे में जरूर याद रखिएगा उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर आप देखेंगे उन्नीस 19 अप्रैल उन्नीस को सूरसेन मास्टर द अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए आई आर ए की घोषणा पत्र जारी किया जिसमें चटगांव चटगा मेमन सिंह स्थित सरकारी सस्तागांव पर एक साल हमला बोला गया और 16 फरवरी 1933 को सूर सिंह सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमे के बाद आप देखेंगे 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई थी चटगांव ये पूछ लेता है कई बार कौन जुड़ा हुआ था इससे न क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल की महिलाओं की भागीदारी क्रांतिकारी गतिविधियों में अधिक हुई तो पुरुष ही नहीं महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और फिर आप देखेंगे क्या देखेंगे कि प्रीतिलता वाड़ेदार ने पहाड़ तली चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय म, समय मारी गई थी कल्पना दत्त सूरसेन के साथ 1933 में गिरफ्तार हुई इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई दिसंबर 1931 में कोमिला की दो युवतियां सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला की जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी अब देखिए महिलाएं भी पीछे नहीं हट रही हैं और फरवरी आप देखेंगे 1932 में बीनादास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चला दी और इसकी विशेषताएं भी देख लीजिए क्रांतिकारियों की युद्ध नीति और चालें सरकारी संस्थानों पर हमला करने जो इसमें रुकावट डाले उसे खत्म करने पर आधारित थी और इसमें हम भी हम हमेशा सफल नहीं हुए सशक्त क्रांति की योजनाएं भी बनाई गई जो सफल नहीं हो पाई लेकिन काफ़ी हद तक आप देखिए ये अपने काम करने में सफल रहते हैं अब दूसरी तरफ आप देखिए कि हर तरह से इसका मूल्यांकन होता है दूसरे चरण का क्रांतिकारी आंदोलन गांधी के असहयोग आंदोलन की असफलता की प्रतिक्रिया और रूसी समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप किया गया था और इसलिए कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों में उत्तर भारत विशेषकर पंजाब में दूसरे चरण में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा मजदूर किसान राज्य की स्थापना और पूंजीवादी जागी जागीरदारी राज्य के अंत का इरादा स्पष्ट है और आंदोलन का आशय फौरन उद्देश्य पूर्ति ना होकर जनता में जागृति स्वतंत्रता के प्रति कर्तव्य समाज साम्राज्यवाद पर दबाव डालने या उलटने और उसके लिए सर्वोच्च निछावर निछावर करने की भावना और आत्मत्याग था और यदि इस पहलू को सामने रखकर हम क्रांतिकारियों की भूमिका के आगे बारे में विचार करें तो यह मानना पड़ेगा कि देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले और जेलों में बर्बरतापूर्ण व्यवहार व यातनाएं सहने वाली क्रांतिकारियों ने भारत की युवाओं युवकों में जागृति फैलाने और साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में जुट जाने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह किसी से कम नहीं थी और इसीलिए तो कहते हैं कि किसी के योगदान को हम लोग किसी भी स्थिति में भुला नहीं सकते हैं आज भी आप देखिए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का उदाहरण देते हैं ना हम लोग कि युवाओं से हमें सीख लेनी चाहिए देशभक्ति की क्रांतिकारी आदर्शवादियों ने भारत में एक नई चेतना तो जगाई मगर वे एक नए समाज और समाजवाद की रचना के उद्देश्य की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि स्वराज उनका पहला अधिकार था और इस तरह से आपकी जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई भारत में भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसकी कहानी ख़त्म होती है इसे आप लोग एक से दो बार देखिए और निकल जाइएगा और अगर आपको विस्तार से पढ़ना है और विस्तार से पढ़ना है तो ए बुक्स ज़रूर पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम है तो जितने बार हो सके उन्हें ज़रूर पढ़िएगा चलिए तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं और अगली क्लास में हम लोग राष्ट्रवादी आंदोलन और गांधी के बारे में हम लोग बात करेंगे 1915 से 1935 तक जो चला है उस पर जानेंगे हम लोग उस पर विस्तार से बात करेंगे ठीक है